हेलो दोस्तों, आपने सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ फुटिंग के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आइसोलेटेड फुटिंग होता है, राफ फुटिंग होता है, मैट फुटिंग होता है, ठीक है। लेकिन आज मैं इन सब के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा सिर्फ आइसोलेटेड फुटिंग और कंबाइंड फुटिंग के बारे में, और इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आइसोलेटेड फुटिंग इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से कंबाइंड फुटिंग इंस्टॉल किया जाता है। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि फुटिंग इंस्टॉल करते वक्त आपको कौन कौन से मिस्टेक्स है जो नहीं करना है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, ये सॉयल है और ये बहुत ज़्यादा गिल्ला है, इसमें क्या है कि सॉयल सेटल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब गलती आपको नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आइसोलेटेड फुटिंग होता क्या है और कहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों, जब कभी भी एक कॉलम के लिए एक सिंगल फुटिंग दिया जाता है इस तरह से, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो एक कॉलम है, इसके लिए एक सिंगल फुटिंग दिया गया है, इसमें किसी तरह से कहीं कोई ज्वाइंट और कंबाइंड नहीं है, तो इस तरह की फुटिंग को आइसोलेटेड फुटिंग बोलेंगे। जब कभी भी आप साइड विजिट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि एक सिंगल कॉलम के लिए सिंगल फुटिंग दिया हुआ है इस तरह से, तो आप समझ जाना है कि वहां पर आइसोलेटेड फुटिंग यूज हुआ है। और कंबाइंड फुटिंग का एग्जांपल दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो एक ही फुटिंग में देख सकते हो 1 2 3 4 चार कॉलम एक ही फुटिंग से जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के फुटिंग को क्या बोला जाता है, कंबाइंड फुटिंग। तो जब कभी भी इस तरह से दो कॉलम या दो से ज्यादा एक ही फुटिंग से निकल रहा हो, ठीक है, एक ही फुटिंग में दिया जा रहा हो, तो इस टाइप के फुटिंग को कंबाइंड फुटिंग बोला जाता है। आई होप आपको आइसोलेटेड फुटिंग और कंबाइंड फुटिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दोनों का मतलब क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि फुटिंग आखिर इंस्टॉल कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। दोस्तों, फुटिंग इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है, जितना भी लंबाई चौड़ाई आपके फुटिंग का हो उतना पूरा मार्किंग कर लेना है। और इसको क्या करना है, सॉइल को पूरा कॉम्पैक्ट करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जब मैं यहाँ पर पैर दबा रहा हूँ इससे करके नीचे, ये गिल्ला है, तो इस तरह से क्या होगा कि सेटल होने का चांस इसमें बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सॉइल को पहले पूरा अच्छा से पूरा क्या करना है कि इसको कॉम्पैक्ट कर लेना है। कॉम्पैक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 75 mm मिनिमम इसका PCC दिया गया है, लेकिन अगर आप 75 mm ना यूज करते हो तो कम से कम 50 mm का PCC जरूर आपको दे लेना है, ठीक है। इस तरह से 50 mm का PCC दे लेना, उसके बाद इसमें आपको सरिया बांधना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आइसोलेटेड फुटिंग का सरिया दिखा दे लेता हूँ, उसके बाद यही मेरे पास बगल में आप देख सकते हो दो कॉलम एक ही फुटिंग से निकल रहा है, मतलब कि ये कंबाइंड फुटिंग हो गया। उसके बाद मैं आपको इसका डिटेल बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर फुटिंग के लिए टॉप बार और बॉटम बार भी दिया गया है, ठीक है। टॉप में भी मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज किया गया है, और बॉटम में भी देख सकते हो यहाँ पर अब मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज किया गया है। और दोनों का जो एल है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से बाइंड किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो चेयर दिया गया है 20 mm का, यहाँ पर इसके डायमीटर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 20 mm का चेयर यूज किया गया, और चेयर आपको इस तरह से देना है कि जब आप इसके ऊपर चढ़ भी जाओ, ठीक है, तो ये किसी तरह से फुटिंग हिले नहीं, यानी कि हर एक स्क्वायर मीटर में आपको चेयर प्रोवाइड जरूर करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डबल जाली का फुटिंग दिया गया है, और जो जाली का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि लगभग 1.5 से 2 फीट है। तो इसके लिए क्या किया गया कि यहाँ की 20 mm का चेयर दिया गया है, ठीक है। चेयर आपको हमेशा जितना mm का सरिया आप यूज कर रहे हो, चेयर आपको हमेशा इससे डबल करके या डबल से भी बढ़ा के देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पेडेस्टल के लिए भी फुटिंग से ही सरिया कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो एल लगा के फंसाया हुआ है पेडेस्टल के लिए, ठीक है, और इसका सरिया भी नीचे से यहाँ पर टॉप तक लाया गया है। और कॉलम की जो सरिया है उसको यहाँ पर आप देख सकते हो एल दे करके, ठीक है, नीचे वाली जाली से अच्छा से बाइंड किया हुआ है। आप देख चारों साइड से आप देख सकते हो जितना भी कॉलम का सरिया है सभी सरिया एल शेप में बना हुआ है, और सभी को नीचे से बांधा हुआ है अच्छा से, ताकि बाद में किसी तरह का हिले नहीं इधर उधर, और इसका स्टेबिलिटी जो है वो पूरा बना रहे। दोस्तों, अब मैं आपको कंबाइंड फुटिंग में बताता हूँ कि इसका कॉलम किस तरह से नीचे से निकाला जाता है और कंबाइंड फुटिंग के लिए सरिया किस तरह से दिया जाता है। तो कंबाइंड फुटिंग के लिए आप देख सकते हो जो फुटिंग का डिस्टेंस वहाँ से लेकर के यहाँ तक देख सकते हो एक ही सरिया डाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि दो कॉलम है तो दोनों के लिए अलग अलग फुटिंग बांधे, ऐसा नहीं है। फुटिंग एक ही है, कॉलम दो है यहाँ पर, लेकिन फुटिंग जो है वो एक ही है, ठीक है, तभी तो ये कंबाइंड हुआ। इसमें भी आप देख सकते हो एक जाली नीचे बंधा हुआ है टॉप और डिस्ट्रीब्यूशन बार का, और एक जाली ऊपर बंधा हुआ है। और इस साइड से आप देख सकते हो दोनों का जो एल है दोनों को बीच में फंसाया हुआ है, और इसमें भी 20 mm सरिया का चेयर यूज किया गया है। और कॉलम के लिए देख सकते हो जिस तरह इंडिविजुअल कॉलम के लिए निकालते हैं उसी प्रकार यहाँ पर कंबाइंड के लिए किया गया है, लेकिन कॉलम जो है इंडिविजुअल ही निकला। आइसोलेटेड फुटिंग में क्या था कि जो फुटिंग है वो सिंगल था और सिंगल कॉलम उसमें निकल रहा था, लेकिन कंबाइंड में यहाँ पर आप देख सकते हो फुटिंग एक ही है, ठीक है, और कॉलम भी सिंगल सिंगल है, लेकिन एक ही फुटिंग से दोनों कॉलम यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से भी इसका आप देख सकते हो और इसका भी देख सकते हो, और दोनों का पेडेस्टल का भी सेम प्रोसेस है। दोस्तों, कॉलम में शटरिंग का काम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो मैंने आपको फुटिंग बता रहा था, ये जाली जो बना हुआ है, ये जाली से फुटिंग बन जाएगा, और ऊपर का जो मैंने सरिया बताया ये वाली, ठीक है, ये इसका पेडेस्टल हो जाएगा, और ये इसका स्टार्टर है। स्टार्टर के बाहर से, ठीक है, यहाँ से इसका सरिया दिया जाए, स्टार्टर के बाहर से यहाँ पर क्या किया जाएगा कि शटरिंग लगाया जाएगा,
और ये जो साइज आप देख रहे हो ठीक है, यहां से यहां तक का 600x400 का है, यहां से यहां तक का साइज जो आप देख रहे हो ठीक है, 600x400 का इसकी इस कॉलम की डायमेंशन है। यहां से जो आप ये जो पोर्शन देख रहे हो ठीक है, यहां से ये जो स्टार्टर देख रहे हो, ये कॉलम की ओरिजिनल डायमेंशन है 600x400। और यही साइज आगे कॉलम के फर्स्ट फ्लोर तक जाएगी, और यही साइज कॉलम की यहाँ पर प्लिंथ बीम तक जाएगी। और प्लिंथ बीम तक के बाद डिजाइनिंग में देखना पड़ेगा कि अगर इसका कॉलम चेंज हुआ है साइज कि नहीं हुआ है, उसके बाद इसका कॉलम फिर आगे तक चला, उसके बाद इसका कॉलम आगे देखा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आइसोलेटेड फुटिंग और कंबाइंड फुटिंग इंस्टॉल किया जाता है ठीक है, और इस तरह से कॉलम में शटरिंग का काम यहां से स्टार्ट किया जाता है ठीक है। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।